चर्च जय यीशु, जय यीशु। आइए बस स्थानों पर खड़े हों और अपने परमेश्वर की आराधना करने की शुरू करें। उसका धन्यवाद दें कि वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसका धन्यवाद दें कि वह हमसे प्रेम करता है। और इससे पहले कि हम किसी अध्याय को वचन के पढ़ें और मैं आपको उस बात से उभारूँ, आइए क्यों ना एक बार अपने जीवन में झाँक के देखें कहाँ परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। हम जानते हैं कि बाइबल में ऐसे बहुत से हवाले हैं जिनको पढ़ के हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दया करता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। पर इन सबसे बढ़कर एक बात को अपने जीवन में झांक के देखें कि उसने कब कब मेरी और आपकी सहायता करी। और इस बात के आभार के साथ अपनी आवाज़ को ऊँचा उठाएं, इस बात के आभार के साथ अपनी आवाज़ को और ऊँचा उठाएं। उसके नाम को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तो सचमुच हमारे साथ साथ बना रहता है खुदावंद। उसको धन्यवाद दें यहोवा कि तूने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर। उसको धन्यवाद दें यहोवा तू मुझे अपने भवन में लेकर आए। ये सिर्फ तेरी महाकरुणा का फल है अनुग्रहकारी परमेश्वर। हम तेरे नाम के जयकार करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम की आराधना कर सके। परमेश्वर अपनी आराधना की उसकी ओर उठाइए, अपने जबान को खोल के उसके नाम को धन कीजिए, उसके नाम की महिमा गाइए। और ये एक साथ मिलके इन गीतों के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा को गाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। और जोर से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजा के शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है। किस नाम में, जिस नाम में है से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम
से ये जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करें, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, उस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करें, जिस नाम में है जिंदगी, ईशा है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, ईशा है वो नाम, ईशा तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ईशा तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ईशा नाम कोई और नाम है जो उस नाम से ऊंचा है? क्या कोई और नाम है जो उस नाम के बराबर सुंदर है? सिर्फ वो एक नाम जो मुझको और आपको मिला, जिस नाम पढ़ते हैं पहला कुरंथियों उसके आठवें अध्याय में, उसकी पांचवी से लेकर आठवीं आयत तक, जब मैं हमारी आंखें बंद हो तो मैं इसको आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। मैं इस बात को आपको बताना चाहूँगा, इस बात से हर एक व्यक्ति को उभारना चाहूँगा कि सचमुच इस बात को जिसको हम गाते हैं कि वो सिर्फ एक नाम है जिसने हमारे जीवन को बदला है, ये सिर्फ वो एक नाम है जिस नाम ने हमको उद्धार दिया है, ये सिर्फ वो एक नाम है जो मेरे और आपके दिल के हाल को जानता है, ये सिर्फ वो एक नाम है जो मेरी और आपकी तंगहाली में भी हमारे साथ खड़ा रहता है, ये सिर्फ वो एक नाम है जो हमारे आंसुओं को पोषना जानता है। मैं जानता हूँ ये नाम विश्वास योग्य है। अगर आप इस बात को जानते हैं कि ये नाम आपके जीवन विश्वास योग रहा है, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि आप चुप नहीं रह सकते। अगर ये नाम आपके जीवन विश्वास योग रहा है, तो आप सचमुच चुप खड़े नहीं रह सकते। आप उसके नाम को धन कहते रहेंगे, आप निरंतर उसकी महिमा को गाते रहेंगे, क्योंकि सचमुच इस नाम ने मेरे जीवन में मेरी सहायता करी है। आइए क्यों ना इस नाम की महिमा अपने पूरे दिल से गाएं और इस नाम को और ऊंचा उठाएं। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। गाइए, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, यस। चंगा करने वाला, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु,
देने वाला यीशु हालेलुया, वो शांति देने वाला यीशु हालेलुया, इसलिए यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, यस प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, सिर्फ यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हाले, यीशु नाम में, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, गाइए हालेलुया 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 हालेलुया, एक और बार हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, पूरे विश्वास के साथ यीशु, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, क्या कोई और परमेश्वर है जिसने हमसे वादा किया कि वो हमको अनंत के जीवन का अधिकारी बनाए? सिर्फ एक राजा ऐसा जिसने अपने राज के प्रभाव को हम पे डाला नहीं, पर हमको अपने राज का सहभागी बनाना चाहा। सिर्फ एक राजा ऐसा जिसने अपने राजा होने के अधिकार को हमको नहीं दिखाया। सिर्फ एक राजा ऐसा जिसने मेरे और आपके पांव को धोया। सिर्फ एक नाम ऐसा जो सचमुच सारे आदर के योग्य है। सिर्फ एक नाम ऐसा जो सारी महिमा के योग्य है। क्या कोई और है जो मेरे और आपके लिए अपनी जान को देता? जब ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ तो मेरा मन इस बात के आभार से भरता है, परमेश्वर तूने मुझसे इतना प्रेम क्यों किया? उसके नाम को धन्यवाद इसलिए दे परमेश्वर, तू हमसे प्रेम करता है, और धन्यवाद यीशु मसीह तू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जब हम तेरी आराधना कर रहे हैं खुदावंद, तेरा राज यहाँ पर है, तेरी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर। इस नाम की जय जयकार करें, इस नाम को ऊंचा उठाएं, एक साथ मिलकर इस बात को गाएं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बता, बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बता, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु।
जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत पल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो, जय जय नाम, जय जय जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए, जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए, जय जय नाम यीशु नाम, ओ जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम, ओ जय जय नाम यीशु नाम, ओ जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम सुख घोषा, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुख, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुख, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुख घोषा, जय जय नाम यीशु, सिर्फ एक ही नाम जो नाम सब नामों में सुंदर, उस नाम की जय गाते हुए नाम हमारे जीवन पे जय प्राप्त करे, हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, जब तेरे नाम की जय गा रहे हैं परमेश्वर तो तेरा नाम हमारे जीवन के हालातों पे जय प्राप्त करता जाए, जब हम तेरा नाम जय गा रहे हैं परमेश्वर तो तेरा नाम हमारे राष्ट्र पे जय प्राप्त करता जाए, जब हम तेरे नाम की जय गा रहे हैं खुदावंत तो तेरा नाम हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी जय प्राप्त करता जाए, सो धन्यवाद इस नाम के लिए, सो धन्यवाद इस नाम के लिए, चाहे तुमको दिल से गाएगी मैं तेरे नाम यीशु नाम की जय, इस बात के साथ मिलके गाएं, चाहे तुझको दिल से, चाहे तुमको दिल से Yeah.
चाहे तुमको दिल से गाएगी चाहे तुमको दिल से चाहे तुमको दिल से यीशु नाम में मिलती है शिफा यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम से करना दुआ यीशु नाम Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, ki jai. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, ki jai. अपने हाथों को आसमान की ओर उठा के गाएंगे. Yeshu naam. Yeshu naam, 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 Y
यीशु नाम में बंधन तोड़े जाते हैं, यीशु नाम से बोझ उठाए जाते हैं, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ सामर्थी नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, अद्भुत नाम, हालेलुया, 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 Nice to see all of you here this morning. Sabse milna, dekhna. सामना करना बहुत बढ़िया है, अच्छा है. आज सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं. प्रेज द लॉर्ड. आई वॉज ट्राइंग टू टीच समथिंग फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन. मैं कोशिश कर रहा था कि प्रकाशित वाक्य से कुछ सिखाऊं. एंड इन दैट फर्स्ट लेसन आई मेंशन्ड द बुक ऑफ रेवलेशन प्रोनाउंसेस 7 ब्लेसिंग्स. और उस पहले पार्ट में हमने ये सीखा है कि 7 ऐसे आशीषे हैं जो बोले गए हैं. And I will just give you the references and I won't read what they are because you already know it. और उसके विषय में मैं सिर्फ पदों को बताऊंगा, आप पहले से ही जानते हैं. And I don't know whether how many of you have good memories. If you have not taken notes, have you taken notes? These 7 blessings, you know. अगर आपने notes लिखे हैं तो आपको याद होगा. How many of you remember? आप में से कितने लोग याद रखते हैं? The 7 blessings. वो 7 आशीषें और आशीषों का वचन. Okay, I will give you the reference. You can go home and read these references all from the book of Revelation and see what these blessings are. और मैं इन पदों को बताऊंगा, आप घर में जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं इन आशीष के वचन क्या हैं. द फर्स्ट ब्लेसिंग यू रीड इन चैप्टर 1:3. और पहला वचन पहले अध्याय के 3rd पद में पाया जाता है. द सेकंड ब्लेसिंग यू रीड इन चैप्टर 14:13. और दूसरा वचन 14वें अध्याय के 13 पद. And the third blessing is in chapter 16:15. और तीसरा आशीष प्रकाशित वाक्य 16:15. The second one is chapter 14:13. और दूसरा आशीष प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय के 13 पद. तीसरा आपने लिखा chapter 16:15.
प्रकाशित वाक्य 16 का 15 द फोर्थ ब्लेसिंग यू रीड इन चैप्टर 19 वर्स 9 और चौथी आशीष जो है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 9 पद एंड द फिफ्थ ब्लेसिंग यू विल रीड चैप्टर 20 वर्स 6 पांचवी आशीष प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 पद And the sixth blessing you read in chapter 22, verse 7. Chhati Ashish Prakashit Vakya 22, 7 pad. And the seventh blessing you read in chapter 22, verse 14. Satvi Ashish Prakashit Vakya 22, adhyay 14 pad. I hope all of you got these references. Please go home and read these seven blessings. In vachno ko लिखिएगा और घर जाके इसको पढ़ लीजिएगा प्रोनाउंस्ड बाय द ऑथर ऑफ द बाइबल द होली स्पिरिट अपॉन ऑल ऑफ यू और बाइबल का लेखक जो पवित्र आत्मा है उन्होंने इन वचनों को दिया है हम सबों के लिए देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द मैजेस्टी And its blessing. और फिर मैंने बताया परमेश्वर How do you translate majesty? Majesty has to do with his kingship. When we talk about kings, you know, we call his majesty. Mahima. Did you get it? It's not Mahima. Mahima is glorious. You know, when you address a king, a sovereign king, you say, Your Majesty. So that has to do with kingship. Now, whose majesty we are talking about? The majesty of our Lord Jesus Christ. और किसके राजप्रता के विषय में हम बात कर रहे हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह का. See, the Bible says God is a spirit. Bible बताती है कि परमेश्वर एक आत्मा है. And a spirit does not have a form. और एक आत्मा के पास कोई रूप नहीं है सो व्हेन गॉड इज डिस्क्राइब्ड इज नॉट द बाइबल इज नॉट डिस्क्राइबिंग हिज फॉर्म सो जब बाइबल परमेश्वर का वर्णन करती है तो कोई रूप के विषय में नहीं बिकॉज ही इज बियॉन्ड एनी डिस्क्रिप्शन बियॉन्ड एनी व्हाट डू यू कॉल कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि परमेश्वर किसी भी वर्णन के परे है किसी भी ज्ञान के परे है ही कैनॉट बी अंडरस्टूड 100% और परमेश्वर को हम 100% समझ नहीं पाएंगे यू कैनॉट डिस्क्राइब दिस गॉड हाउ हम इस परमेश्वर का वर्णन नहीं कर पाएंगे एंड देयरफॉर ही कैनॉट बी अंडरस्टूड परफेक्टली बाय ऑल और इसलिए सब लोग के द्वारा एक सिद्ध तरीके से हम उन्हें पहचान नहीं पाते दैट्स व्हाई ही इज गॉड और इसीलिए वो परमेश्वर हैं देयर आर सर्टेन मिस्टरीज ऑफ गॉड दैट आर नॉट रिवील्ड टू अस और बहुत से ऐसे परमेश्वर के विषय में राज की बातें हैं जो हमें प्रकट नहीं की गई दैट्स व्हाई ही इज गॉड और इसी कारण से वो परमेश्वर है इफ यू कैन अंडरस्टैंड गॉड देन यू आल्सो विल बिकम लाइक गॉड अगर आप 100% परमेश्वर को समझ पाएंगे तो फिर आप भी परमेश्वर बन जाएंगे नथिंग रिवील्स द मैजेस्टी ऑफ दिस बुक ऑफ रेवलेशन As does John's reaction to the personal revelation of Jesus Christ. और इस पुस्तक में परमेश्वर के राजकीयपन के विषय में इतना वर्णन नहीं किया जाता है जितना कि हम यूहन्ना के प्रतिक्रिया को देखते हैं जब वो परमेश्वर के महिमा के सामने आते हैं. What was his reaction to the revelation of Jesus? यीशु मसीह के प्रकाशन के सामने यूहन्ना का प्रतिक्रिया क्या था?
The record says, और यहाँ पर लिखा है, When he saw Jesus, जब यहुन्ना ने यीशु को निहारा, he fell at his feet, और वो यीशु के कदमों पर गिर गया, in a dead condition, और जैसे कि एक मृतक व्यक्ति के लायक, he's falling at the feet of Jesus, whose revelation he just received. As if he was dead. और जैसे ही उनको यीशु मसीह का प्रकाशन मिला, वो यीशु मसीह के कदमों में ऐसे गिर गए जैसे कि वो मर गए. That is the reaction of John as soon as he received a revelation of our Lord Jesus Christ. और यही यूहन्ना का प्रतिक्रिया था जैसे ही उसको यीशु मसीह का प्रकाशन मिला. You cannot look at this God. हम इस परमेश्वर को निहार नहीं सकते हैं. Because he lives in an unapproachable light. क्योंकि ये परमेश्वर एक ऐसे ज्योति में रहता है जिसके सामने हम जा नहीं सकते. Why he is invisible? क्यों यीशु अदृश्य है? He is right in our midst. यीशु हमारे मध्य में है. How many of you believe that? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? You are seated in the very presence of this God, आप इस परमेश्वर, इस परमेश्वर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसी परमेश्वर के मध्य में बैठे हैं. But the reason he is invisible, और जिस कारण से वो अदृश्य है, is because he is God. वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर है. And then secondly, और दूसरी बात, if he reveals in his glory, अगर परमेश्वर अपने पूरे महिमा में आ जाए. What happened to Saul of Tarsus when he had a revelation of Jesus? Tarsus ke Saul ko kya hua jab unko Parmeshwar ka prakashan mila? Who remembers what he? Aapko yaad hai? He fell flat on the ground. Wo jameen par gir pada. As if he was dead. Jaise ki wo mar gaya. And that glory that was emanating from the person of Jesus Christ hit him so hard that he became totally blind. और परमेश्वर से जो महिमा निकला वो उस तेजी से उसके ऊपर गिरा कि वो अंधा हो गया. But because we cannot see him, it doesn't mean he is not here. लेकिन क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर यहाँ मौजूद नहीं है. वेरी मच हियर. परमेश्वर यहाँ पर है. एंड ही इज बाय योर साइड. वो आपके निकट है. इट इज विद दैट अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट एंटर इनटू दिस हाउस ऑफ गॉड. और इसी समझ से हमें इस भवन में प्रवेश करना है. बिकॉज वी हैव दिस ग्रेट God who is worthy of our worship. क्योंकि ये महान परमेश्वर हमारे मध्य में है जो सारे महिमा का योग्य है. If the psalmist says, I will enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. भजन लिखने वाला कहता है कि उसके फाटकों में मैं धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा. The psalmist has never seen his form. भजन लिखने वाला उसके स्वरूप को कभी देखा नहीं. But whenever he entered into the temple, into the presence of God. लेकिन जब कभी भी वे परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करते थे, he knew he was standing on a holy ground. वो जानते थे कि वो एक पवित्र स्थान में खड़े हैं. There is a song chorus we used to sing. और एक ऐसे गीत है जो हम गाया करते थे. Beautiful chorus. बहुत सुंदर गीत. It says, "We are standing on holy ground." और इसके गीत के बोल ऐसे हैं कि हम इस पवित्र स्थान में खड़े हैं. There are angels all around. और चारों ओर स्वर्गदूत हैं. And if he is to reveal himself as he is, और अगर परमेश्वर जैसे वो है अपने पूरे महिमा में प्रकट करे, none of us will be able to sit here. तो फिर हम में से कोई भी यहाँ बैठ नहीं पाएगा. And yet he is in our midst. लेकिन फिर भी परमेश्वर यहाँ पर मौजूद हैं. Through the eyes of faith we experience him and we see him. विश्वास के आँखों के साथ हम उन्हें अनुभव करते हैं और देखते हैं. That's why the first reaction of anyone who had this revelation was falling down.
और इसी कारण से किसी का भी अगर परमेश्वर इस परमेश्वर के साथ कोई अनुभव या प्रकट प्रकाशन मिला हो तो उसका प्रतिक्रिया यही है कि वो अपने उनके कदमों पर गिर जाता है. Whether you are king or king or president or prime minister or whoever, चाहे वो राजा हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, there is a very famous chorus called Hallelujah chorus. और एक बहुत अच्छा एक गीत है जो Hallelujah chorus कहा गया है. The whole song is very long. और पूरा जो गीत है बहुत लंबा है. It's all about Jesus Christ. और ये गीत यीशु मसीह के विषय में है. And the chorus says Hallelujah, Hallelujah. और इसका जो कोरस है वो Hallelujah है. The man who wrote this piece of orchestra. और जिस व्यक्ति ने इस गीत को लिखा था, he felt as if he is entering into the very presence of this Almighty God. और लिखते वक्त वो इस बात को महसूस किया कि वो इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मध्य में है. And especially when he wrote this Hallelujah chorus. और जब वे ये गीत को लिख रहे थे. And when this chorus was sung, the whole orchestra, what do you call it? Symphony. It is a very long narration of the glorious Lord. और इस महिमा में परमेश्वर का एक लंबा सा एक लिखित गीत लिखित उसमें दिया गया था. It includes the birth of Jesus Christ. और जिसमें यीशु मसीह का जन्म था. And the kingdom of God. और परमेश्वर का राज्य. And the chorus is Hallelujah. और उसका कोरस जो है वो Hallelujah शब्द से है. When you listen to that chorus. और जब आप उस कोरस को सुनेंगे. The first time when it was performed in a very famous auditorium in London. और पहली बार जब इसको लंदन के एक प्रसिद्ध एक ऑडिटोरियम में गाया गया. द किंग वॉज अटेंडिंग. और जो राजा थे वो वहाँ पर मौजूद थे. एंड व्हेन दे स्टार्टेड सिंगिंग दिस कोरस. और जब ये कोरस को गाने लगे. द किंग हिज मैजेस्टी ही स्टूड अप. और जो जो राजा थे वो खड़े हो गए. एंड इट वॉज आस्क्ड हिम व्हाई. एंड सिंस देन इट बिकेम अ practice wherever this chorus is sung the congregation stands up. Aur us samay se ye aisa ho gaya ki jab kabhi bhi ye Hallelujah chorus gaya jata tha to baithne wale sab uth jate the. And the king said. Aur raja ne kaha. When I heard the words. Aur jab maine is shabd ko suna. I realized in whose presence I was. मैंने इस बात को एहसास किया कि मैं किसके मध्य में हूँ. And I consider myself unworthy to sit. But the only thing respect I could show was to stand. और मैं अपने आप को अयोग्य पाता हूँ कि मैं बैठे रहूँ. और जो आदर की बात मैं दिखा सकता था वो यही है कि मैं खड़े हो जाऊँ. It is in His presence you are seated. और इसी परमेश्वर के सामने आप बैठे हैं. With what respect you should sit. और किस आदर के साथ आपको बैठना है. Nowadays people come and sit as if we are the masters and the Lord Jesus Christ is in attendance. और आजकल लोग आकर ऐसे बैठते हैं जैसे कि हम स्वामी हैं और यीशु मसीह हमें देखने आए हैं. My brothers and sisters, that should not be our attitude. मेरे भाई और बहनों हमारा आचरण ये नहीं होना चाहिए. When we come in His presence. जब हम इस परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं. You must know that there are thousands of angels attending Him. हमें इस बात को जानना है कि हजारों स्वर्गदूत भी मौजूद हैं यहाँ पर. And He is present in our midst. और ये परमेश्वर हमारे मध्य में है. He is watching you. वो आपको देख रहे हैं. His eyes are on you. परमेश्वर के आंखें आपके ऊपर हैं. And His vision penetrates deep into your heart. और परमेश्वर का नजर जो है आपके हृदय के गहराई तक जाती है. And He sees the motives and the intentions and the attitude of yours towards Him.
और परमेश्वर जो है आपके हृदय के जो इरादे हैं, इच्छाएं हैं और भावना आप रखते हैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। We have come here to give him our homage of worship and thanks. आप यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि आप इस परमेश्वर को आदर सम्मान दे, धन्यवाद दे। And we are here in the presence of his majesty. और हम इस बड़े परमेश्वर, राजकीय परमेश्वर के उपस्थिति में आए हैं। So let us have that respect and that attitude of fear. So ये आदर और सम्मान और भय हमारे अंदर होने पाए। When he saw Jesus, John, he became like a dead man. जब यहुन्ना ने यीशु मसीह को देखा, वो एक मृतक व्यक्ति के समान हो गया। Have you ever seen anyone fainting when you see a king riding on a chariot? क्या आपने किसी को देखा है कि कोई राजा अगर वो जा रहे हैं अपने रथ पे तो कोई बेहोश हो रहा है? With his crown and with his all his royal garments. और राजा अपने ताज के साथ और अच्छे कपड़ों के साथ। Well, I have not read about anyone who has fainted and. मैंने ऐसे कभी नहीं सुना कि कोई ऐसे इसके उपस्थिति में बेहोश हो गया। We all will watch. हम सब देखेंगे। He looks fantastic. कितना अच्छा दिखते हैं राजा। But if Jesus, the King of Kings, is to manifest Himself as He is. लेकिन यीशु मसीह जो राजाओं के राजा है, अगर जैसे वो है अपने आप को प्रकट करें, Our reaction will be exactly what John had. तो फिर हमारा प्रतिक्रिया वही होगा जो यहुन्ना के साथ हुआ। You and I must understand it is his presence in which we have come. और आपको और मुझको इस बात को समझना है कि इसी परमेश्वर के सामने हम आए हैं। Can we lift up both our hands towards him? आइए हम अपने दोनों हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। And just speak a word, oh Majesty. और इस परमेश्वर के सामने आदर और सम्मान के बातों को रखें। I worship you. कि परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं। Worshipping is presenting ourselves to him totally. और आराधना यही है कि हम अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें। हालेलुया, हालेलुया। In his presence, उसकी उपस्थिति में, there is fullness of joy, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। So we come to experience his majesty. So हम परमेश्वर के महानता और महिमा का अनुभव करने आए हैं। John was so overcome. और यहुन्ना जो है वो इतना भावनात्मक हो गया। He simply fainted. वो वहां पर बेहोश हो गया। And when John saw Jesus, और जब यहुन्ना ने यीशु को देखा, He fell at his feet. वो उसके चरणों पर गिर गया। Now, how did Jesus react? How did Jesus react? और उस समय फिर यीशु ने क्या किया? He must have been looking at his servant John and smiled. और यीशु अपने दास यहुन्ना को देखकर और हो सकता है वो मुस्कुराए होंगे। He must have smiled as he looked at his beloved disciple, his servant John. अपने प्रिय चेले और शिष्य यहुन्ना को देखते हुए वो मुस्कुराए होंगे। Then what did he do? फिर उसने क्या किया? He gently put his hand on him. और बड़े कोमलता के साथ अपने हाथों को यहुन्ना के ऊपर रखा। And said, "Don't be afraid." और कहा कि डरो मत। Hallelujah. Hallelujah. The right attitude. सही स्वभाव जो है। And the right response. और सही प्रतिक्रिया। When you have an attitude of humility, जब आपका स्वभाव जो है एक नम्रता और दीनता का है, and humble yourself to be on the floor, और अपने आप को नम्र बना दे कि आप जमीन पर गिर जाएं, his act will be to put his gentle hand on you,
और फिर परमेश्वर अपने हाथों को आपके ऊपर रखेगा and said not to be afraid. और कहेगा कि डरो मत. Have you seen Jesus of Revelation? क्या आपने इस प्रकाशित वाक्य के यीशु को देखा है? If you have not seen, अगर आपने नहीं देखा है, you must read the first chapter of Revelation. तो फिर प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय को आप पढ़े हैं. Verses 12. उसका 12 आयत से. Now we are not going to read it again. Write this. You go home and इस वचन को लिखें, आप घर में जाकर पढ़ें. Revelation chapter 1. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय. Reading from verse 12. 12 आयत से पढ़ेंगे. Till verse 16. 16 आयत तक. Revelation chapter 1 verses 12 to 16. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 12 से 16 आयत. Describe the appearance of Jesus. इसमें वर्णन किया गया है यीशु मसीह कैसे दिखते हैं. As he is in heaven. जिस प्रकार वो स्वर्ग में है. Okay. So go home and read it. आप घर जाके इसे जरूर पढ़े. And if you can use your imagination and then form in your mind how does he look like. और फिर अगर आप अपने मन के आंखों से देख सकते हैं वो कैसे दिखते हैं. If you have that wonderful imagination, you would be awestruck. और अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो फिर आप चकित हो जाएंगे. You will never see a person like this. इस प्रकार के व्यक्ति को आप कभी नहीं देखेंगे. You will never see another God like this. और कोई और परमेश्वर इस प्रकार आप नहीं देखने पाएंगे. You will never see another person, no matter how great he may be, not even an angel. Can be compared with him. और कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्वर्गदूत इस परमेश्वर के साथ तुलना नहीं किया जा सकता. And that's why in verse 17 John says. और इसलिए 17वें आयत में यहुन्ना कहते हैं. When I saw him, I fell at his feet. जब मैंने यीशु को देखा तो फिर मैं गिर गया जैसे कि मैं मर गया. This is our Jesus. यही हमारा यीशु है. So if you have not met Jesus of Revelation, you meet here in this passage. और इसलिए अगर आप यीशु के दृश्य को देखना चाहते हैं इस भाग को पढ़ें. He is not the humble carpenter like a servant. और इस समय यीशु मसीह वो नम्र बढ़ाई या दास के समान नहीं है. With a toughened and hard hand. और जिनके हाथ कठोर हैं. By the use of tools that carpenters use. और उन औजारों को इस्तेमाल करते हुए जो बढ़ाई लोग करते हैं. Worn out sandals. और जिनके चप्पले जो है वो घिस गए हैं. Like a servant. एक दास के समान. That is not the Jesus that you read here. ये वो यीशु नहीं है जिसके विषय में आप यहाँ पर पढ़ते हैं. That was when he came as a man. और वो यीशु जब पहली बार एक मनुष्य के रूप में संसार में आए थे. Like a lamb. एक मेमने के समान. To die for your sin. आपके पापों के खातिर मरने के लिए. To pay the price or cost of your salvation. आपके उद्धार के कीमत को चुकाने के लिए. Whatever he went through, you know. जिससे भी यीशु गुजरे हैं. Even what he went through in his suffering, we cannot describe. और जिन बातों से वो गुजरे हैं उनके दुख में और क्लेश में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं. But the Jesus of Revelation. लेकिन प्रकाशित वाक्य के जो यीशु हैं. He is His Majesty King Jesus. एक राजकीय एक एक महिमा में एक परमेश्वर यीशु मसीह. He does not say he will be king.
वो ये नहीं कहते कि वो राजा बनेंगे. But he is the ruler of the kings of all kings. लेकिन वर्तमान में वो राजाओं के राजा हैं. Hallelujah. Hallelujah. The King of Kings and Lord of Lords. राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु. He is the King of Heaven. वो स्वर्ग के राजा है. He is described in the Bible. और यहाँ पर वर्णन किया गया है. Take down these references. और इन पदों को लिखें. He is the King of Heavens. वो स्वर्गों का राजा है. Daniel chapter 4 verse 37. दानियल का पुस्तक चौथा अध्याय 37 पद. I will go slow for your advantage. और आप इन्हें लिख ले. It is already given. I can't see anything. Acha. Is it coming here? Oh, yeah. Because they need to write it down. So, show it here. The King of Kings, Daniel chapter 4, verse 37. Daniel chautha adhyay 37 vachan. He is King of the Jews. Yahudiyon ka raja. Matthew chapter 2, verse 2. Matti 2 adhyay 2 pad. He is the King of Israel. Israelio ka raja. John chapter 1 verse 49. Yohanna pehla adhyay 49 vachan. He is the King of Ages. Yugo ka raja hai. 1 Timothy chapter 1 verse 17. Pehlo Timotheos pehla adhyay 17 pad. He is the King of Glory. Mahima ka raja hai. Psalm chapter 24 verse 7. Bhajan Sahita 24:7 par. He is the King of Saints. Santo ka raja hai. Revelation 15 verse 3. Prakashit Vakya 15 adhyay 3 pad. He is the King of Kings. Wo rajaon ka raja hai. Revelation 19:16. प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 16 पद. Oh, blessed be the name of the Lord. यीशु का नाम धन्य हो. This is King Jesus. यही यीशु राजा है. His Majesty the King. वो राज के यीशु मसीह. Hallelujah. Hallelujah. He is King Eternal. और अनंत काल का राजा है. We bow before him. हम उसके सामने दंडवत करते हैं. This is the God before whom we have come. और यही परमेश्वर के सम्मुख हम आए हैं. We come not for any benefit. किसी लाभ के लिए नहीं आते हैं. We have come not to ask anything. और कुछ मांगने हम नहीं आए हैं. We have come to fall prostrate before him. हम परमेश्वर के सामने दंडवत करने आए हैं. And give him our honor and praise and glory. सारी आदर महिमा और स्तुति देने आए हैं. And present ourselves to him. और अपने आप को समर्पित करने आए हैं. For he alone is worthy. क्योंकि वही योग्य परमेश्वर है. Hallelujah. Hallelujah. It is in His presence you have come. और इसी परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए हैं. And when you see him. जब आप उन्हें देखते हैं. When you know him. जब आप उन्हें जानेंगे. It is not necessary for you ask anything. ये जरूरी नहीं है कि हम किसी बात को मांगे. For he knows your need. क्योंकि परमेश्वर आपके जरूरतों को जानता है. And as you present yourself. और जब अपने आप को प्रस्तुत करते हैं पवित्र आराधना और स्तुति में. In holy worship and praise. पवित्र स्तुति और आराधना में. Hallelujah. Hallelujah. In that worship. और इस आराधना में. There is no selfishness. यहाँ पर कोई स्वार्थपन नहीं है. There is no desire for any personal benefit. और कोई इच्छा नहीं है कि व्यक्तिगत कोई लाभ हो. All you want is that he must be exalted. सिर्फ आप इतना चाहेंगे कि उसकी महिमा हो. And in that worship, और उसी आराधना में, there is all the power you need to meet any need you may have. उसी आराधना में सारी सामर्थ उपलब्ध है आपके सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए. In that worship, उसी आराधना में, there is healing power.
एक चंगाई का सामर्थ्य है. There is deliverance. छुटकारा है. In that worship. उसी आराधना में. The power of the Holy Spirit can come. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर आ सकता है. And you begin to worship in the Spirit. और आत्मा में आप आराधना करेंगे. You are not aware of anything else. और आप किसी और बात के जानकारी में नहीं रहेंगे. Hallelujah. What is worship? आराधना क्या है? Worship is you take wings. Your soul takes wings and you fly away. आराधना यही है कि आपके प्राण जो है उसमें पंख आ जाए और आप उड़ जाएंगे. Worship is not prayer. और आराधना जो है वो प्रार्थना नहीं है. Worship is not even thanksgiving. और आराधना जो है वो धन्यवाद देना भी नहीं है. Now, unfortunately, और दुर्भाग्यवश, most of us go through these two things. हम में से ज्यादातर लोग ये दो बातों को करते हैं. We pray, हम प्रार्थना करते and then हैं, we thank. और फिर हम धन्यवाद देते हैं. What is prayer? प्रार्थना क्या है? Prayer is when we take our burdens, our needs, our pains and difficulties and sicknesses, everything and bringing it to him. प्रार्थना यही है कि जब हम अपने सारे जरूरतों को, अपने सारे बीमारियों को और जो कुछ भी हम चाहते हैं परमेश्वर को, वो सब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं. And what is thanksgiving? और धन्यवाद देना क्या है? And what is praising the Lord? स्तुति करना क्या है? When God meets your need, जब परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करता है, He healed you, आपको चंगाई देते हैं, He provided for you, आपके लिए उपाय करते हैं, He filled you with peace, आपको शांति देते हैं, and all this you gave your job, और आपको नौकरी देते हैं, or you gave you a nice handsome boy, और अच्छा एक लड़का या लड़की देते हैं, or a beautiful girl, एक लड़का या लड़की देते हैं, या लड़का या लड़की जो कुछ आपकी जरूरत है. Then we say, "Thank you, Lord." और तब हम बोलते हैं धन्यवाद प्रभु. I praise you, Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं. That's what we do. यही हम करते हैं. We don't go beyond that. हम उससे परे नहीं जाते हैं. Today, if you ask me whether we worship or not, we haven't. और आज अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या हम आराधना करते हैं, नहीं. We were shouting hallelujah. हम चिल्लाते हैं hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. Why? क्यों? Because God has healed me. क्योंकि परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया है. परमेश्वर ने उपाय किया है. And he blessed me with हमें आशीष दिया है. And with that we finish. और उससे हम खत्म कर देते हैं. That is why our services people say it's dead. और इसी कारण से अपने सभाओं को हम कहते हैं कि मरा हुआ सभा है. What is worship? आराधना क्या है? You know, while we pray and while we thank and praise the Lord, we are still here on earth. और जबकि हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, हम इस संसार में हैं. Now I want you to understand the difference between prayer and then thanking and praising God and worship. आप इनके बीच में फर्क को जरूर जान लीजिएगा, जो प्रार्थना है, धन्यवाद देना है, और आराधना के बीच में. While we are praising God and thanking God, जबकि हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद देते हैं, what are we thinking of our blessing. हम अपने आशीषों के विषय में सोच रहे हैं. And all the benefit. और सारे लाभों को देख रहे हैं. And God is the source of all these blessings. और परमेश्वर सारे आशीषों का स्रोत है. So we are thanking. So हम धन्यवाद देते हैं. Now what is worship then? लेकिन आराधना क्या है? In worship, we leave this earth. और आराधना में हम इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं. Our soul flies away. हमारा आत्मा जो है वो उड़ता है. We leave our needs behind. हम अपने जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं. We leave even our blessings. हम अपने आशीषों को भी पीछे छोड़ देते हैं. Then we will not boast about how much money we have, how much riches we have. और फिर उसके बाद हम घमंड नहीं करेंगे कि हमारे पास कितना धन दौलत है. We leave all these things behind. हम इन सब चीजों को पीछे छोड़ देते हैं. And our soul in the spirit takes wings and flies. और फिर हमारा आत्मा जो है वो उड़ने लगता है. Go higher and higher. और भी ऊंचा उड़ने लगता है. And with the closed eyes. और बंद आंखों के साथ. And we shut out everything else. और बाकी सारे बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं. We take this flight. और हम उड़ते हैं. And we find ourselves right in the presence of the throne room of God. और फिर हम अपने आप को इस परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम अपने आप को पाते हैं.
You can imagine. आप कल्पना कर सकते हैं. Light that are so brilliant that we become blind. और एक ऐसा ज्योति, एक ऐसा प्रकाशन और इतना ज्योतिर्मय जो है और जिससे हम अंधे हो जाते हैं. Blind to the problems of this world. इस संसार के समस्याओं के लिए हम अंधे हो जाते हैं. Blind even to the blessings of this world. इस संसार के आशीषों के लिए भी हम अंधे हो जाते हैं. They all become insignificant. और वे सब बिल्कुल ऐसे कोई मूल्य नहीं रखते. And our eyes are fixed on the one who is seated on the throne. और हमारे आंखें जो है वो उसके ऊपर लगे हैं जो सिंहासन के ऊपर बैठा. Surrounded by the seraphs and by seraph. और चारों ओर जो स्वर्गदूत है उनसे घिरे रहते हैं. Worshipping. यीशु की आराधना करते हैं. Flying around the throne. और उस सिंहासन के चारों ओर हम उड़ते हैं. Without ceasing. और बिना रुके वर्शिपिंग, आराधना करते हुए, saying, calling to one another, और एक दूसरे को पुकारते हैं, the Lord of hosts, और वो परमेश्वर, the Lord God Almighty, सेनाओं का यहोवा, is holy, 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 वो पवित्र, पवित्र, पवित्र परमेश्वर, and other group of angels respond. और दूसरे स्वर्गदूतों के समूह जो है वो उत्तर देते हैं. The whole earth is filled with his glory. सारा पृथ्वी जो है परमेश्वर के महिमा से परिपूर्ण है. And the angels continue. और फिर स्वर्गदूत लगातार बोलते रहते हैं. Worthy is our Lord. हमारा परमेश्वर योग्य है. We bow before you. हम आपके सामने दंडवत करते हैं. We fall before you. हम आपके सामने गिरते हैं. And give you all honor and praise and thanks. और आप ही को सारी आदर और महिमा और धन्यवाद What देते हैं. Fills our eyes. और हमारे आंखों को कौन सी बात भरता है? Vision of our God. उस स्वर्गीय दर्शन में जो हमें मिलता है. Hallelujah. Hallelujah. Now how great is our God. हमारा परमेश्वर कितना महान है. Yeah. The whole earth is filled with his glory. और पूरा पृथ्वी जो है परमेश्वर के महिमा से भरा हुआ है. Even the heaven of heavens cannot contain this God. और जो स्वर्ग है वो भी परमेश्वर को समान है. Heaven is his throne. स्वर्ग उसका सिंहासन है. Earth is his footstool. और पृथ्वी जो है उसका पौधा. Hallelujah. Hallelujah. How big is our God. कितना महान हमारा परमेश्वर है. And when we stand before this greatness and bigness of God. और जब हम इस महान परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Where are the things of this earth? तो फिर इस संसार के चीजें कहाँ हैं? They completely disappear. वे बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Where are the problems of this world? इस संसार के समस्याएं कहाँ हैं? They don't exist. वे वहाँ होते ही नहीं हैं. What fills our eyes and mind? और हमारे आंखों और मनों को कौन सी बातें भरती हैं? The vision of this God. ये परमेश्वर का दर्शन. हालेलुया. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर फ्लाई बाय एरोप्लेन. और आप में से बहुत लोग हवाई जहाज में गए होंगे. हैव यू मेनी ऑफ यू हैव डन इट. व्हेन यू कम टू द एयरपोर्ट. जब आप हवाई अड्डे पर आते हैं. What fills your eyes is the airport, you know, very big. And तो फिर आप आपके आँखों में क्या दिखता है? पूरा एयरपोर्ट कितना बड़ा है? Look at the plane. और उन हवाई जहाजों को देखें. Big plane. बड़े-बड़े हवाई जहाज. And so you get into the plane. और जब आप प्लेन के अंदर and जाते then, हैं. Then the flight takes off. और जब हवाई जहाज उड़ता है. And when it is a little high, और जब ऊंचे ऊंचाई तक जाता है. You look down and see the airport. आप नीचे उस हवाई अड्डे को देखते हैं. You can still see the car flying and all these things. और फिर आप गाड़ियों को भी देख सकते हैं कैसे जा रहे हैं. But then as the flight goes higher and higher and higher, लेकिन जैसे वो जहाज और भी ऊंचे जाता रहता है. The airport becomes smaller and smaller. वो हवाई अड्डा जो है वो और भी छोटा होता जाता है. And the cars then you go still higher. और फिर और भी ऊंचाई में जाएंगे. The car you used to see like ant, these cars also disappear. और जो गाड़ियां आप चींटियों के जैसे देखते थे फिर बाद में वो भी नहीं दिखते हैं. You understand what I mean? आप समझ गए मेरी बात को. The higher you go, जितना ज्यादा ऊंचे आप जाएंगे, smaller,
the things of the earth becomes. Utna hi chota is sansar ke cheeze dikhenge. And now we have a space. Aur ab hamare paas wo pura bhumandal hai. And when you go in one of these, what do you call? Space shuttle. Spaceship. You go higher. और ये स्पेस में जाने का जो जहाज है उसमें अगर जाएंगे यू डोंट सी योर हाउस देयर द होल अर्थ लुक्स लाइक अ स्मॉल ब्लू मार्बल और जब आप उस स्पेस में पहुंचेंगे तब जो पूरा पृथ्वी जो है एक छोटे से गोले के तरह आपको दिखेगा कंचे के तरह एक मार्बल यू नो मार्बल एंड दे से फ्रॉम द स्पेसशिप द अर्थ प्लैनेट अर्थ लुक सो ब्यूटिफुल टू सी इन इट्स ब्लूनेस स्मॉल और उस अंतरिक्ष से आप पृथ्वी को देखेंगे तो बहुत सुंदर वो दिखता है एंड डू यू सी योर हाउस देयर फिर क्या आपको अपना घर दिखेगा योर बिग कार आपके बड़े बड़े गाड़ियां होंडा मोटरसाइकिल यू डोंट सी एनी ऑफ दीज थिंग्स आप इन सारे चीजों को कुछ भी नहीं देख पाएंगे हायर यू गो जितना ऊंचा आप जाएंगे माय फ्रेंड्स दैट्स व्हाट वर्शिप डस मेरे मित्रों यही बात से होता है जब आप आराधना करते हैं हायर यू गो जितना ऊंचा आप जाएंगे अपने आत्मा में हालेलुया एंड व्हाट फिल्स योर Eyes are the throne of God. और जितना ऊंचा आप जाएंगे आपके आंखों को कौन सी बात भरेगा वो परमेश्वर का सिंहासन greatness of God. परमेश्वर के महानता को आप देखेंगे And how big your God और कितना बड़ा आपका परमेश्वर है And when you stand in his presence, और जब आप उसकी उपस्थिति में खड़े होंगे the things of this earth will become nothing. इस संसार के जो चीजें हैं वो कुछ नहीं You don't see your pain. आप अपने दर्द को नहीं देखेंगे You don't see your problems. आप अपने समस्याओं को नहीं देखेंगे You don't see how poor you are. आप ये नहीं देखेंगे आप कितने निर्धन हैं The privilege of standing before the majesty, the king of kings. और जो सौभाग्य आपका होगा कि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सामने खड़े हैं I don't need anything else. मुझे और किसी बात की जरूरत नहीं है Hallelujah. Hallelujah. From that worship. और उस आराधना से as you come down to this earth. जब आप वापस इस पृथ्वी पर आएंगे you have such peace. तो आपके अंदर इतना शांति भरेगा. The burden is no longer there. वो बोझ अब आपके अंदर नहीं रहेगा. Your sickness is gone. आपका बीमारी चला जाएगा. Your pain is gone. आपका दर्द दूर चला जाएगा. Your troubles are disappear. आपके परेशानियां दूर हो जाएंगी. And as you begin to walk in the presence of this God. और जैसे जैसे आप इस परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे That's what worship does. और यही होता है आराधना से Shall we worship? क्या हम आराधना करें In that way. इस प्रकार When you worship, you don't think of your need. और जब आप आराधना करते हैं आप अपने जरूरतों को नहीं याद करते हैं You don't start crying, Oh God, I have pain here, the pain there. आप फिर ये नहीं कहेंगे प्रभु मेरे पास यहाँ दर्द है वहां दर्द है You are standing before this holy God. That itself will cause your problems disappear completely. आप जब इस परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर उससे आप अपने समस्याओं को अपने दर्द को भूल जाएंगे In the presence of the greatness of God. इस महान परमेश्वर की उपस्थिति में In the presence of the bigness of God. इस परमेश्वर के बड़ेपन के उपस्थिति में What is little pain here? तो फिर हमारा पेट का दर्द क्या है You don't even feel it. आप उसे महसूस भी नहीं करेंगे And after that kind of a worship, और इस प्रकार के आराधना के बाद you will go back singing the songs of praises and joy. आप स्तुति आराधना के गीतों को गाते हुए जाएंगे Hallelujah. Hallelujah. We sing a song, a chorus. how does that chorus go? In the presence of अरे when I look into your face
जब हम आपने आपके चेहरे को निहारते हैं, When I आपके look पवित्रता के ऊपर निहारते your holiness, हैं When I gaze upon your loveliness, huh? your loveliness, your loveliness, your loveliness, and when all things that surround me become shadows, and the things that surround me become like shadows in the light of you, in the light of your light of you, in the light of your glory. Hallelujah. All the things that surround me, और जो भी बातें मेरे चारों ओर रहती हैं, they actually disappear. वे सब गायब हो जाते हैं. In the presence of your परमेश्वर के ज्योति के सामने. My brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, my children, मेरे बच्चे, that's what we must experience. और इन्हीं बातों को आपको अनुभव करना है. He's the King of Kings and Lord of Lords. वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है. Amen. Where are we living today? हम कहां पर रहते हैं इस समय? What kind of people today's generation? और आजकल का जो युग है, किस प्रकार के लोग हैं? You know, this generation, ये जो युग है, they don't know God. ये परमेश्वर को नहीं जानते हैं. Because the God before whom they bow, they are not God. क्योंकि जिस परमेश्वर के सामने वो दंडवत करते हैं, वो परमेश्वर है ही नहीं. So these images cannot generate the awe that our living God can generate when we come in His presence. So ये सब बातें जो है, हमें हमारे अंदर वो दर्शन, उसे हम देख नहीं पाते हैं. और जिस प्रकार हम जब जीवित परमेश्वर को देखते हैं, तो जो बातें हमारे मन में आते हैं. Do you want to know the characteristics of today's generation people? और आज के युग का जो लोग है, उनके चरित्र को आप जानना चाहते हैं? Turn to 2 Timothy chapter 3. दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा अध्याय खोलें. I will mention all these characteristics mentioned in this passage. और ये सारे बातें इस भाग में लिखे हैं. Did you all find that passage? दूसरा तिमोथियस तीसरा अध्याय, verses 1-5. एक से पांच पद तक. There will be terrible times. ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. People will be, I will mention their characteristics. और लोग जो है, इनका जो स्वभाव है, चरित्र है, वो यही होगा. Lovers of themselves. क्योंकि मनुष्य स्वार्थी. Lovers of money. लोभी. Boastful and proud. और डींगमार और अभिमानी. अब्यूसिव. निंदक. डिसोबीडियंट. माता पिता की आज्ञा टालने वाले. अनग्रेटफुल. दूसरा तिमोथियस उसका 3:2 से इस प्रकार से है, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही के चाहने वाले होंगे. वे भक्ति का दोष का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे. ऐसो से परे रहना. Having a form of godliness, और भक्ति का वेश होगा उनका, but denying his power, लेकिन उसका सामर्थ को पहचानेंगे नहीं. Did you notice the characteristics? आपने ध्यान दिया इन स्वभावों को? Compared with this today's generation,
और इसका तुलना करें आज के युग के साथ. Is it not what we are going through today? क्या ये सच नहीं है? Our children should no respect. और जो बच्चे हैं वो आदर नहीं करते. No love. कोई प्रेम नहीं है. Husbands are selfish. और पति जो है वो स्वार्थी है. Wives are selfish. पत्नियां स्वार्थी हैं. And if their selfishness is not satisfied, then they throw away wife or husband or whatever. और अगर इनका स्वार्थीपन जो है वो संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं. How they treat children. किस प्रकार वो बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं. Why? You know there are people who get married but they don't want to have children for the first few years. और कुछ लोग हैं जो विवाह करते हैं लेकिन कुछ सालों तक वो बच्चों को नहीं चाहते. I know because they don't want to go through the trouble of taking care of the children. क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर ये बोझ हो कि बच्चों का देखभाल किया जाए. Then the shape of their body become what, flabby or what? फिर उनका शरीर का जो रूप है वो भी बिगड़ जाएगा. Selfishness. स्वार्थपन. Even parents. माता पिता भी. Mothers who give birth to these children. ऐसे माँ जो इन बच्चों को जन्म देते हैं. They throw them into the dustbin. और फिर कूड़ेदान में फेंक देते हैं. And so many children are become homeless and friendless and parentless because of the selfishness. और ऐसे बहुत बच्चे हैं जो जिनका फिर कोई घर नहीं होता है, माता पिता नहीं होते हैं. How accurate the prophecy of God's word is. और कितना सच ये परमेश्वर का वचन है. Terrible times in the last days. और अंतिम दिनों में भयानक समय आएंगे. People will become like this. लोग ऐसे बन जाएंगे. Is it not what we go through? क्या हम आजकल देखते we नहीं हैं? We all are victims of this selfishness and self-love of money, love for money. That's all. और आज हम भी इसके शिकार बन गए हैं कि लोग स्वार्थी हो गए हैं और लोभी हो गए हैं और अब पैसों का प्रेमी बन गए हैं. People are already poor. और लोग जो है पहले से ही गरीब हैं. And they are squeezing money out of even these from these. और उनसे ऐसे लोगों से भी पैसा निचोड़ो जाता है. Unfortunately, so many are illiterate. They don't understand. और बहुत लोग शिक्षित नहीं हैं तो वो समझते नहीं हैं. They think you know they got one. On a free cylinder. Oh, that's our yeah. वो सोचते हैं एक free मुफ्त में cylinder मिल गया तो कितना ही बड़ी बात. Now when they start paying for the price. और अब जब उसका कीमत देने लगे हैं. Now they are realizing. अब वो एहसास कर रहे हैं. My brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों. Will you stand with me? आइए हम सब खड़े हो जाएं. Hi. How wonderful! How blessed we are! For the grace of God that brought us to Jesus Christ. और कितना धन्य हम लोग हैं और जिस यीशु के अनुग्रह से हम उसके पास आए हैं. Worship him. उसकी आराधना करें. Don't pray. प्रार्थना नहीं करें. But if you worship the Lord. लेकिन अगर आप इस परमेश्वर की आराधना करेंगे. Bow before him. उसके सामने दंडवत करेंगे. And worship him. और आराधना करेंगे. And worship him. आराधना करेंगे. I encourage you to come and fill this. मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वेदी के सामने आ जाएं. Fill this empty spaces. और इन खाली स्थानों को भर दें. Every one of you move little forward. और सब लोग थोड़ा आगे आ जाएं. And let us stand. और यहाँ पर खड़े हो जाएं. Let us stand when the altar is filled, then we'll let us stand in the on the aisles. और यहाँ वेदी जब भर जाए तो बीच रास्ते में आप खड़े हो सकते हैं. All of you standing there, please come down. और जितने लोग ऊपर खड़े हैं आप नीचे आ सकते हैं. Because we are standing here for 5 minutes, then we are going home. क्योंकि कुछ समय तक हम यहाँ खड़े रहकर फिर हम जाएंगे. But these 5 minutes. और इस 5 मिनट में. Let us raise our voices. हम अपने आवाजों को उठाएं. With our whole strength. अपने पूरे ताकत से. Let us worship the Lord. हम परमेश्वर की आराधना करें. Give him glory. उसको महिमा दे. Lord, you are great. प्रभु आप महान हैं. You are greatly to be praised. आप स्तुति आदर के योग्य हैं. You are greatly to be worshipped. और आराधना के योग्य हैं. You are worthy of all praises and और स्तुति आराधना के योग्य हैं. I encourage all of you people who are standing there, please move forward and come and stand here. और जितने लोग वहाँ पर खड़े हैं आप आगे आ जाइए. Hallelujah. Don't just keep yourself behind at the back. आप अपने आप को पीछे रोक कर ना रखें. We are
in the presence of this almighty hum ye sarvshaktiman parmeshwar ki upasthiti mein hai who lives in an unapproachable light jo ek aise jyoti mein rehte hain jiska samna hum nahi kar sakte hain if god the holy spirit has given you a language of his spirit agar parmeshwar pavitra atma ne aapko ek bhasha diya hai just use that language aap us bhasha ka istemal kare ora bashata kala redigena hallelujah there tinagro in that worship aur is aradhana mein You can expect to be healed and delivered. आप आशा कर सकते हैं कि आप चंगाई पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। And be filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। Filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। Let the touch of God come upon you. परमेश्वर का स्पर्श आपके ऊपर आने पाए। Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. There is no one like you, Lord. आप जैसा कोई नहीं है, प्रभु. You are exalted. आप महान हैं. You are highly exalted, O Lord. आप ऊंचे उठाए गए हैं, प्रभु. You are worthy of our praises. सारे स्तुति के योग्य हैं. You are worthy. We bow before you, Lord. हम आपके सामने दंडवत करते हैं. We give all honor and glory. सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु. Hallelujah. 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 Rendalarudu bi kapra ba shalelude. Hallelujah. Tikalarada bagajana ba shoti kalarudu yana. Rio kole bi kasalandariya ba. Hallelujah. 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 Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Pavitra pavitra sarvashaktiman Parmeshwar. Jo tha jo hai aur jo aane wala hai. The eternal God. Anant kal ka prabhu. The eternal king. अनंत काल का राजा द क्रिएटर सृष्टिकर्ता परमेश्वर Earth is filled with His glory. और पूरा पृथ्वी परमेश्वर के महिमा से भरा है. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. 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 पूरा हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Fill your people, O God, with the Holy Ghost and power. Hallelujah. Lord, fill me with the Holy Spirit and power. प्रभु भर दे अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु. Fill your people with the अपने Holy लोगों Spirit and को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे. Hallelujah. 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 धन्यवाद. 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 Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Velar de gajana stori de pika la ba shata tenar de gajana stori ara stare. Titha rababa lamati karo stori de gajana maseria. When you come in the presence of God with the right attitude. जब आप उस सही स्वभाव से सही आचरण से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं. And participate in the worship of God. और परमेश्वर की आराधना में हिस्सा लेते हैं. It is not necessary for us to call you to come forward to be prayed for sickness. और यह जरूरी नहीं होगा तब कि हम आपको आगे बुलाए बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए. You worship your God. जब आप इस परमेश्वर की आराधना करते हैं. And give him glory. और उसको महिमा देते हैं. And in that worship you will be healed. उसी आराधना में आप चंगे हो जाएंगे. Come with that expectation in every service. और हर एक सभा में इसी आशा के साथ जब आप आएंगे. Expect something to happen aur aasha rakhe ki kuch na kuch hoga because the god before whom we come and worship is not like any other kyunki jis parmeshwar ke samne hum aate hain aaradhna karte hain wo dusre ishwaron ke saman nahi hai he is unlike other वो दूसरे ईश्वरों से अलग हैं एंड देयरफॉर और इसी कारण से वी एज गॉड्स पीपल हम जो परमेश्वर के लोग हैं वी आर आल्सो अनलाइक अदर पीपल हम भी दूसरे लोगों के समान नहीं हैं
Amen. Amen. Because we belong to a God who is unlike any क्योंकि other. क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर के हैं जो दूसरे ईश्वरों से अलग है. There is no other God like you, O Lord. हे प्रभु, आप जैसा कोई नहीं है. Hallelujah. 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 One who knew us even before we were formed in our mother's. और ऐसा परमेश्वर जो हमें जानता था इससे पहले कि हम अपने माँ के कोख में उत्पन्न हुए. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. I encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. To come this evening. कि आप आज के शाम को आ जाएं. 6:30 we begin our prayer. 6:30 हम प्रार्थना को शुरू करेंगे. Let us come together and have a great time. आइए हम सब लोग आ जाएं और एक अच्छा समय प्रार्थना का बिताएं. Seeking God. परमेश्वर को खोजें. Don't miss it. आप इसे इससे पीछे ना रहें. Give God an opportunity to minister to you. परमेश्वर को एक अवसर दे कि आपके जीवन में एक कार्य को करें. I hope today being Sunday you don't have any other appointment. मैं आशा रखता हूं कि आज इतवार होने के नाते आपका कोई और काम नहीं होगा. For the sake of attending the prayer meeting you can cancel any appointment. और इस प्रार्थना सभा में आने के लिए आप दूसरे सारे प्रोग्राम को आप कैंसिल कर सकते हैं. Because God will be here. क्योंकि परमेश्वर यहाँ मौजूद होगा. Hallelujah. Hallelujah. You want to be in His presence. और आप चाहेंगे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहे. He loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं. He knows you. आपको जानते हैं. And He is here. और वो यहाँ पर है. So don't miss it. So आप जरूर आएं. Hallelujah. Hallelujah. Those of you who are in a hurry, the service is over.